मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। स्वागत है बिहार इन्फो के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है विश्वविद्यालय आरा में, क्योंकि विश्वविद्यालय आरा में आज छात्र जदयू नेता मनोज यादव के नेतृत्व में कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णाकांत तिवारी, साथ ही सहयोगी चंदन जी के साथ विश्वविद्यालय से जुड़ी सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजों की वहाँ पर सैकड़ों छात्र उपस्थित थे। जहाँ पर आज विश्वविद्यालय आरा से जुड़ी जो भी सत्र हैं 2019 और 2017, इन सभी छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग और स्नातक पार्ट 1 का रिजल्ट न आने के कारण वहाँ पर सैकड़ों छात्र विश्वविद्यालय के सामने गेट के सामने बहुत ही शोर शराबा जिसको बोलते हैं विश्वविद्यालय से मांग अपना कर रहे थे स्नातक पार्ट 1 का रिजल्ट और स्नातक पार्ट 3 रिजल्ट सुधार करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि विश्वविद्यालय आरा से आज क्या बात निकल कर आ रही है और छात्र जदयू के नेता आज क्या किए और क्या मांग किए, पूरी जानकारी खुद जान लेते हैं। साथियों का सुधार नहीं हुआ और लगातार इन लोगों को दौड़ाने का कैच किया जा रहा है। यहाँ के कंप्यूटर टीचर माने अमरेंद्र नारायण भारत के द्वारा। साथियों आपको एक और बात बता दे, 4000 छात्रों के इस बिरकुआ सिंह विश्वविद्यालय के कंप्यूटर टीचर अमरेंद्र नारायण भारत माध्यम अमरेंद्र नारायण के तरफ से 8000 रुपया एक छात्र से लेकर के 4000 छात्रों का रिजल्ट सुधारने का कैच किया गया है। और जब छात्रों का रिजल्ट सुधरा, जब उस पर चार्ज मतलब लोग देखे, जब पकड़ा गया तो उसे उन छात्रों का रिजल्ट को क्लोज कर दिया गया। अब उन 4000 छात्रों का रिजल्ट अब शो नहीं कर रहा है। बताइए फिर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कंप्यूटर इंचार्ज अमरेंद्र नारायण भारत तो लूट घसोट कितना बड़ा किया है, उनपे FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मांग करते हैं बिरकुआ सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से कि CBI का जांच का मांग करते हैं। परीक्षा विभाग कंप्यूटर सेक्शन पर 17-20 रिजल्ट जो जारी की गई है, CBI जांच की जाए और उनको अविलंब अभी से अभी गिरफ्तार किया जाए और सभी छात्रों को न्याय दिलाने का कार्य किया जाए। साथियों बहुत दुख के साथ हम आपको बताना चाहते हैं, ऐसा दुर्भाग्य बना दिए हैं ऐसे ऐसे बिरकुआ सिंह विश्वविद्यालय में लोग आकर के जो अवैध तरीके से इनका कंप्यूटर इंचार्ज का अवैध बहाली भी है। आपको बता दे इनसे बात करने जाइएगा, मिलने जाइएगा, ये आपको बरगलाएंगे, फुसलाएंगे, बाबू बाबू करके बतियाएंगे। लेकिन बिरकुआ सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति को यह अमरेंद्र नारायण भारत, जिन्होंने लाखों छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। बताइए बिरकुआ सिंह विश्वविद्यालय का हर बार टीयर रिजल्ट आया है? टीयर में रिजल्ट क्यों नहीं आया? अगर टीयर में रिजल्ट आ जाता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, याद पता चल जाता कितने छात्रों के साथ कितने छात्रों का रिजल्ट आया है और कितने छात्रों का रिजल्ट नहीं आया है। मैं बिरकुआ सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से मांग करता हूँ कि दूर से